महाभारत में 13वां दिन जब अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ को मारने की, और इतने क्रोधित थे अर्जुन, क्यों क्रोधित थे कोई बता सकते हैं? अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा, सो ही वॉज वेरी अपसेट। और सबसे पॉइंट ये था कि बचाने के लिए भी जयद्रथ ने सारे पांडवों को रोक दिया था, क्योंकि उनके पास शिवजी का बूंद था कि एक दिन वो समस्त पांडवों को एक साथ रोक पाएंगे। सो जयद्रथ बिकेम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ अभिमन्यु। सो ने प्रथम ये किया, फिर कितने अक्षौहिणी को मारा अकेले? 7 अक्षौहिणी, 14 लाख सोल्जर्स। हमको याद है, हम जब ना छुट्टियों में गेम खेलने जाते थे तो बीच में ना वो कुछ सोप और ये सब रखते हैं, और एक छोटा सा वो सर्कल्स देते हैं 25-25 से, सो फेंकते हैं फेंकते हैं, कभी कुछ जीतते तो है नहीं कि कोई बनाया ऐसा है सो फेंक फेंक कर हम भी थक जाते हैं, छोड़ देते हैं 20 बार 25 बार, कभी कभी ऐसे रथ लग जाता है तो 30 बार, पर कुछ स्टेज आता है हम क्या थक जाते हैं। अर्जुन 14 लाख लोगों को मारने के बाद भी थके नहीं, फिर जयद्रथ को मारा। फिर दुर्योधन ने क्या किया? दुर्बुद्धि है, दुर्योधन ने कहा कि अभी भी हम लड़ाई करेंगे। सो दोनों दोनों सेनाओं के तरफ सारे जो सोल्जर्स से सब थक गए थे, जैसे जन्माष्टमी के दिन हम सब सेवा करते हैं ना, कैसे थक जाते हैं, पूरा दिन सेवा करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट दिन है जहां आप सोए भी नहीं, हार्डली 1-2 घंटा सोए हैं, कैसा रहता है, कैसे लगता है, जैसे अब भी बेड मिल जाए या इधर ही गिर जाओ तो फ्रेश हो जाओ, क्योंकि निद्रा एक आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, सोना एक आवश्यकता है, शरीर नीड्स दैट रिक्रूपरेशन। सो इसी प्रकार से जब दुर्योधन ने डिक्लेयर कर दिया तो सब लोग अंदर से तो सब ना खुश थे, बट एक क्षत्रिय कभी भी चैलेंज के लिए मना नहीं कर सकता। अंदर अंदर से वो लोग बहुत प्रताड़ित थे, देवर ऑल डिस्टर्ब्ड। थोड़े समय के बाद अर्जुन खुद आए बीच में, सबके बीच में आए और बोले कि एक काम करते हैं, आप सब लोग दिख रहे हैं बहुत नींद आ रही है, अब सबको थक गए हैं, यहां ही हम सो जाते हैं, इफ यू ऑल अग्री। तो सब लोग इतने खुश हुए कि विपक्ष वाले लोग भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, विपक्ष वाले लोग बोल रहे हैं आपकी कामनाएं पूरी हों, और वो लोग सो गए। तो दुर्योधन जाकर द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है, अर्जुन भी सो रहा है, उसको जाकर हम मार सकते हैं। ये दुर्बुद्धि है ना। द्रोणाचार्य बोलते हैं उनको कि अर्जुन एक ऑर्डनरी इंसान नहीं है, बड़े बड़े यक्षगण गंधर्व देवताओं भी मिलकर अभी भी जाकर उसको अगर चैलेंज करेंगे तो भी उसको मार नहीं पाएंगे। क्यों? फिर बाद में द्रोणाचार्य बताते हैं दुर्योधन को, खांडवप्रस्थ जो अग्नि को उन्होंने सेटिस्फाई किया था, एक पूरा फॉरेस्ट को जलाकर, इंद्रदेव आए थे वर्षा कर रहे थे अपने बाणों मात्र से, सारे इंद्रदेव का जो पानी है उसको पकड़ कर रख दिया। सो बता रहे हैं, एक ऑर्डनरी पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई ऑर्डनरी वॉरियर कर ही नहीं सकता। सो अर्जुन जो है बहुत बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? प्रभुपाद जी यहां बताते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावामृत है, कृष्ण से जुड़े हुए हैं।